नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका लर्न मैजिक में। दोस्तों मेरा नाम है स्वर्णिम, और अगर आप जो है सीधे इस वीडियो में आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जा करके मेरे परफॉर्मेंस का वीडियो आई बटन से आप देख सकते। तो चलिए दोस्तों ट्यूटोरियल चालू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ चार पत्ते होते हैं, ईंट, हुक्म, पान और चिड़ की बेगम। और चिड़ की बेगम काली, पान की बेगम काला रंग का पत्ता या नीले रंग का पत्ता, ये नीले रंग का और ये लाल रंग का। रूटीन कुछ इस तरीके से है कि ईंट के नीचे हुक्म, हुक्म के नीचे पान, पान के नीचे चिड़ी की बेगम। आप दिखाएंगे पोजीशन, 1 2 3 4, बोलेंगे हुक्म की बेगम को फॉलो करो। पत्तों को स्क्वायर करेंगे, पहले नहीं पलटेंगे वरना ये लाल पत्ता दिख जाएगा। पत्तों को पहले स्क्वायर करेंगे और बोलेंगे हुक्म की बेगम जो है वो नीचे से दूसरे नंबर पे है। अब सिर्फ एक मूव है दोस्तों, बड़ा ही स्पेशलाइज मूव है। ये मूव आपने सीख लिया तो ये मैजिक बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, लेकिन मूव को सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। मूव का नाम है एम्सले काउंट। बहुत पॉपुलर मैजिशियन थे एम्सले, उन्होंने इस काउंट को निकाला था। और ये काउंट होता है कई सारी चीज़ों में यूज़, 3 पत्तों को 4 की तरह काउंट करना, 5 पत्तों को 4 की तरह काउंट करना, 1 पत्ते को स्किप करना, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एम्सले काउंट में इस तरीके से काउंटिंग कर रहे हैं कि ये लाल पत्ते का बैक हम नहीं दिखा रहे। तो ये कैसे होगा, देखिए दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूँ एम्सले काउंट होता कैसे है। तो किस तरीके से एम्सले काउंट होता है दोस्तों, कि हम ये तीसरे नंबर के पत्ते को मिस करें ऊपर से या उसको हिडन रखें, आपको डेक को इस तरीके से पकड़ना है। ये एक मैकेनिक ग्रिप है, एक उंगली इधर, दो उंगलियाँ इधर, एक नीचे, एक थंब यहाँ पर। और यूजुअली जब हम पत्तों को बांट रहे होते हैं तो हम कैसे करते हैं, ऐसे ऊपर का पत्ता इधर को पील करते हैं, राइट। बट आपको इधर पर कुछ उल्टा करना है, आपको ऊपर का पत्ता थंब की मदद से इधर को निकालना है, एक सिंगल पत्ता, और बाकी तीनों पत्तों को इस हाथ में ले लेना है। तो आपने एक सिंगल पत्ता यहाँ निकाला और ये पत्ते इस हाथ में ले लिए। अब आपको क्या करना है इस हाथ में दोस्तों, इस हाथ में इस तरीके से पुश करना है कि ऊपर के दो पत्ते जो हैं वो बाहर की तरफ पुशें और सिर्फ आपके हाथ में एक पत्ता रहे। और ये ऊपर के दो पत्तों को आपको एज अ सिंगल पत्ता यहाँ डालना है, लेकिन ये डालते डालते आपको नीचे के पत्ते को स्टील भी करना है इस तरीके से। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो ये इतना क्लीनली होता है कि आपका ये रेड पत्ता दिखता ही नहीं है। चलिए एक बार हम इनका फेस अप कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बेटर अंदाज़ा आ जाए कि हो क्या रहा है। तो इस तरीके से पोजीशन है, आपने सबसे पहले चीड़ी की बेगम को पील आउट करा और उसके ठीक नीचे जो पान की बेगम थी उसको दिखाया। आप इधर आए, आपने फिर से पील करा, लेकिन पान की बेगम और हुकुम की बेगम को एक सिंगल पत्ते की तरह थंब से पील करा बाहर को, और ये एक सिंगल पत्ते की तरह दिखता है। इसको ऊपर के थंब से पकड़ा, लेकिन ये पकड़ते पकड़ते नीचे वाले पत्ते को अपने ग्रिप में ले लिया। फिर अब बाहर आए और नीचे वाले पत्ते को अपने साथ ले गए, तो अब आपके हाथ में 2 पत्ते आ गए, और फिर ये तीसरा पत्ता और ये चौथा पत्ता। तो लोगों को लगता है आपने 4 पत्ते काउंट करे, बट एक्चुअल में आपने 3 ही पत्ते दिखाए होते हैं, 1 पत्ते को आपने एक्सपोज नहीं करा होता है। तो रिवर्स में जब हम इसको तेज करेंगे, लाल पत्ता तीसरी पोजीशन में होगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, 1 पत्ता, फिर 2 पत्तों को सिंगल की तरह पील करा और नीचे के पत्ते को स्टील कर लिया, फिर ये तीसरा पत्ता, ये चौथा पत्ता। तो लोगों को लगता है उन्होंने 4 पत्ते देखे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपने इस रेड को नहीं दिखाया होता और 1 पत्ते को डबल काउंट किया होता है। तो इस मैजिक रूटीन में पूरी तरीके से एम्सले काउंट का यूज़ हुआ है। एम्सले काउंट आपको सीखना पड़ेगा, हालांकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार लास्ट टाइम आपको एम्सले काउंट और दिखा देता हूँ। 1 पत्ता ऊपर से पील किया, 3 पत्ते हाथ में लिए, 3 में से 2 पत्तों को पुश करा थंब की मदद से, और 1 पत्ता नीचे रखे रहा, इन 2 को यहाँ लेके आए, स्क्वायर करा डेक को, स्क्वायर करने के बाद नीचे के 2 पत्ते स्टील कर लिए वापस, इस उंगली को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके इधर पे, और ऊपर के 2 पत्ते हाथ में जमा कर लिए। तो ये हिडन पत्ता यहाँ पर आ गया, और 3 और 4। ओके, तो अब रूटीन में चलते हैं। रूटीन कैसे परफॉर्म होता है, एम्सले काउंट किस तरीके से होते हैं। डेक को कुछ इस तरीके से आपको रखना है, चीड़, पार, हुकुम, ईंट। और पहले राउंड पे मैंने एक एम्सले काउंट किया था सिंपल वाला, 1 2 3 4, लेकिन इसमें मैं हुकुम की बेगम को नीचे ले गया था, लेकिन रूटीन में बोला जाता है सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन नीचे ले जाते हैं। उसका जो सेकंड राउंड होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम
एम्सले काउंट नहीं करते। पहले राउंड में हम एक पत्ते को पील करते हैं, लेकिन अब हम दो पत्तों को पुश नहीं करते हैं, क्योंकि दो पत्तों को पुश करेंगे तो रेड पत्ता एक्सपोज हो जाएगा। दूसरे राउंड में भी हम एक पत्ते को ही पील करते हैं ऊपर से, और ये दो पत्ते हमारे हाथ में बचते हैं। तीसरे राउंड पर जब हम यहाँ आते हैं तो हम ये पूरे दोनों पत्तों को यहाँ डिपॉजिट करते हैं और नीचे वाले पत्ते को स्टील कर लेते हैं और यहाँ ऊपर डाल देते हैं। तो दूसरे राउंड में आपकी पोजीशन ये रहती है, जो ओरिजिनल पोजीशन थी वही आ जाती है, यानी ईट हुकुम पान चीड़। अब आप बोलते हैं कि सबसे ऊपर देखिए हुकुम का पत्ता आ गया, लेकिन सबसे ऊपर तो अभी चीड़ी का पत्ता है, तो हुकुम का पत्ता आप कैसे दिखाएंगे? वेल, इसके लिए एक अलग मूव का इस्तेमाल होता है, जहाँ पर आप ये उंगली और अंगूठे के बीच में पूरी डेक को ऐसे रखते हैं और ऐसे पील करते हैं। तो पील करने से क्या होता है कि सिर्फ एक पत्ता नीचे आपके रुकता है हाथ में और बाकी तीनों पत्ते ऐसा सिंगल पत्ते पील हो जाते हैं। तो ये एक ट्रिपल लिफ्ट की तरह काम करता है। आप यहाँ पर लिफ्ट कर रहे हैं लेकिन आप तीन पत्ते लिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके से कर रहे हैं, अंगूठे और उंगली के बीच में दबा करके एक तीन पत्तों को ऊपर से पील कर रहे हैं कि एक सिंगल पत्ता लगता है। फिर आप इसे पलटते हैं, एक पत्ता यहाँ रखते हैं जो ऊपर था, जो चिड़ी की बेगम है, और फिर आप फिर से पील करके दो पत्तों को पलटते हैं और दिखाते हैं कि हुकुम की बेगम तो यहीं पर है। फिर आप हुकुम की बेगम को नीचे ले जाते हैं, उसके नीचे चिड़ी की बेगम जाती है, फिर से आप बोलते हैं हुकुम की बेगम देखो नीचे से दूसरे नंबर पे है, फिर से आप एक ट्रिपल पील करते हैं, फिर हाथों को पलटते हैं तो हुकुम की बेगम सबसे ऊपर होती है। आपने तीन पत्ते पलटे हैं एक साथ इस तरीके से ट्रिपल पील करके, ये देखिए ट्रिपल पील करके आपने तीन पत्ते पलटे हैं, इनको पलट के आप वापस डालते हैं और फिर आप दिखाते हैं कि अब की बार ये लाल रंग का पत्ता हो गया, ये और विजुअल लगता है। फिर दिखाते हैं हुकुम की बेगम यहीं पर है। इस राउंड के बाद आप हुकुम की बेगम का मुंह ऊपर रहने देते हैं, यहाँ पर मैजिक और विजुअल हो जाता है। तो अब देखिए, आपने हुकुम की बेगम नहीं, यहाँ पर दो पत्तों का मुंह ऊपर है, पान की बेगम और हुकुम की बेगम दोनों का मुंह ऊपर है, और ईट की बेगम आपने यहाँ डाली, तो आप ईट की बेगम के साथ इसका मुंह ऐसे करके यहाँ रख देंगे। अब आपको फिर से एक एम्सले काउंट करना है, और इस बार एम्सले काउंट में देखिए तीसरे नंबर पे कौन सा पत्ता है, पान की बेगम है, तो वो हिडन रहेगी जब भी आप एम्सले करोगे। तो कैसे होगा, ऊपर का पत्ता इधर को पील करा, हुकुम की बेगम दिखाई, अब डबल पील करा, और थोड़ा ध्यान से करना है ताकि वो पीछे की बेगम ना दिखे, तो ऐसे करा, यहाँ आए, ये दो नीचे का पत्ता स्टील करा और दोनों पत्ते डिपॉजिट कर दिए, उसके बाद तीसरा पत्ता, चौथा पत्ता। तो इस एम्सले काउंट से आप दिखाते हैं हुकुम की बेगम ऊपर है। अब आप एक और एम्सले काउंट करेंगे और देखिए अब की बात तीसरे नंबर पे कौन सा पत्ता है, ऊपर से हुकुम की बेगम, तो अब क्या वो हिडन रहेगा। इसेंशली आपने ये करा, डबल पील करा, हुकुम की बेगम को डिपॉजिट करा, नीचे का पत्ता हाथ में लिया, पान की बेगम को डिपॉजिट करा और उसके ऊपर ये पत्ता ला के रख दिया, उसके बाद पान की बेगम को निकाला और उल्टा करके नीचे डाल दिया। ये करने के बाद आप फिर से इस पोजीशन पर रहेंगे। अब इसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा राउंड करा था, मैंने एक और एम्सले काउंट किया था जहाँ पर मैंने चारों पत्ते नीचे की तरफ दिखाए थे। आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, आप सीधे ही दिखा सकते हैं फैला करके कि ये है, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा एम्सले काउंट किया था, उसमें मैंने एक राउंड किया, डबल पील करके छोड़ा, इसको उठाया, यहाँ डाला और लास्ट वाले पत्ते को मैंने ऊपर की जगह नीचे डाल दिया, राइट। तो फिर से स्टेटस जो है वो आपका ऐसा ही रह गया। फिर आपने दिखाया हुकुम की बेगम को, एक एक करके पत्ते खोल के दिखाए और फिर लास्ट में फिनाले में आपने हुकुम की बेगम को लाल रंग का दिखाया। इसका एक और रूटीन मैंने करा, उसका सीक्रेट मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एक पेड मैजिक ट्रिक है, लेकिन इसी बेसिक रूटीन से इंस्पायर्ड है। आप अगर इंटेलिजेंट मैजिशियन है तो आप उसको समझ गए होंगे और आप उसे परफॉर्म भी कर पाएंगे। चलिए अगले हफ्ते और पावरफुल मैजिक ट्रिक के साथ फिर मिलेंगे।